अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष एस एन गिलानी ने सोलन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए 11 योजनाएं चलाई हैं, जिनमें करीब 4,700 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष एस एन गिलानी ने सोलन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए 11 योजनाएं चलाई, जिसमें से करीबन 4,700 करोड़ रुपए का बजट खर्चा गया। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलवाई। ये अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। यही वजह है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी ही केंद्र में सरकार बनाएंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष एस एन गिलानी ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि वह पिछले कई दशकों से भाजपा के साथ जुड़े हैं और भाजपा में विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तब से पुराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थे तो कार्यकर्ताओं को पूर्ण सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। फायदा लेना या फायदा देना वो सरकार का काम है, लेकिन हर पार्टी के अंदर और हर सरकार के अंदर कुछ नेता ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को अपने के साथ जोड़ना जानते हैं और कुछ नेता ऐसे होते हैं वो अपने साथ जोड़ना नहीं जानते, वो अपने तरीके से चलते हैं। प्रदेश के अंदर जब आदरणीय धोमल जी की सरकार थी तो धोमल जी ने अपने निवास पर, सरकारी निवास पर इफ्तियार पार्टी शुरू करके, सब उनको सुझाव मैंने ही दिया था, और इफ्तियार पार्टी शुरू करके इफ्तियार पार्टी के जरिए माइनॉरिटी को जोड़ा। जामिया मस्जिद शिमला के अंदर वो खुद गई और जब तक यहाँ पर, यहाँ सोलन से विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल जी थे, उनके अंदर भी ये खूबी थी कि वो हर एक के दुख सुख में जाते थे। लेकिन अब हमारे प्रदेश के अंदर आदरणीय जयराम जी की सरकार है, वो अपने तरीके से चल रहे हैं, वो किसको जोड़ रही, जो उनको अच्छा लगता है वो उसको जोड़ रहे हैं। हमें, हम अपने तरीके से देखते हैं कि हम सीनियर हैं, हम पुराने कार्यकर्ता हैं। अब हो सकता है सरकार को पुराने कार्यकर्ताओं की ज़रूरत ना हो, वो नए को जोड़ना चाहते हों और नए जोड़ें। हम तो एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और माइनॉरिटी को लेकर हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए हैं, और हमारा काम है पार्टी को मजबूत करना और माइनॉरिटी के लिए काम करना। जब आज तक भी हमने किया है और करते आए हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। हमारा काम है माइनॉरिटी को जोड़ना, माइनॉरिटी को मजबूत करना, और मैं यही कहता हूँ कि चाहे वो देश की माइनॉरिटी हो, चाहे वो प्रदेश की माइनॉरिटी हो, प्रदेश माइनॉरिटी का भला भारतीय जनता पार्टी में है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने को जा रहे हैं। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।